10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग फॉरबिडन एरिया में पहुंचते ही अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करके स्पिरिचुअल रोड से आए उस पर्सन को एम्परर से दूर करता है, जिसके बाद वह अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए उन दोनों लोगों को एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है। और अब वह अपने पास मौजूद ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उन दोनों लोगों को मार देता है। अब उन दोनों के मरते ही एम्परर का माइंड उस जगह पर फ्री हो जाता है और एम्परर होश में आ जाते हैं। तभी युहुआ एम्परर के पास आते हुए उसे वहां पर संभालती है। तभी एम्परर युहुआ को देखते हुए बोलता है, युहुआ आखिर यहां पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी यूई आगे आते हुए एम्परर को ग्रीट करती है। अब यूई को देखते ही एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है, यूई फाइनली तुम स्पिरिचुअल रोड से वापस यहां पर आ ही गई। तभी एम्परर की नजर लीन फैंग के ऊपर पड़ती है और अब वह यूई से लीन फैंग के बारे में पूछता है। तभी यूई एम्परर को लीन फैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि लीन फैंग ने ही यहाँ पर अभी आपकी जान बचाई है। यह सुनते ही एम्परर लीन फैंग को थैंक्स करते हुए बोलता है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो पर इसके बावजूद तुम स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच चुके हो। तभी लीन फैंग आगे आते हुए बोलता है, एम्परर आपके पास यहाँ पर एक गॉड लेवल वेपन मौजूद है और अगर आप चाहते तो इस गॉड लेवल वेपन का यूज करते हुए स्पिरिचुअल रोड से आए सभी लोगों को काफी आसानी से मार सकते थे, पर आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। एम्परर लीन फैंग को बताता है कि वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि यह गॉड लेवल वेपन किसी को भी अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार ही नहीं है और पिछले 9000 सालों से यह गॉड लेवल वेपन इसी जगह पर रखा हुआ है और अब तक इसने किसी को भी अपना मास्टर नहीं चुना है। अब लीन फैंग आगे बढ़ते हुए उस गॉड लेवल वेपन को देखने लगता है। तभी फ्रीजिंग उसे बताती है कि यह तो एक गॉड व्हील है और आज से 9000 साल पहले गॉड नांगोंग सीयुन के पास यह गॉड लेवल वेपन हुआ करता था। तभी बाईहोंग नोटिस करती है कि वह गॉड लेवल वेपन जिस पिलर के ऊपर रखा गया होता है वह कोई नॉर्मल पिलर नहीं बल्कि एक आइस कॉफिन होता है, जिसे देखते ही वह समझ जाती है कि गॉड सीयुन इसी आइस कॉफिन के अंदर होगी और अगर लीन फैंग गॉड सीयुन को यहाँ पर नींद से जगा दे तो डीमन से फाइट करने में वह लीन फैंग की मदद कर सकती है। अब यह सुनते ही लीन फैंग एम्परर से बोलता है कि मैं एक बार पास जाकर इस गॉड लेवल वेपन को देखना चाहता हूँ, जो सुनते ही एम्परर परेशान हो जाता है और बोलता है कि लीन फैंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुमने इस वेपन के पास जाने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो सकते हो। लीन फैंग बोलता है, आपको मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि आप युहुआ और युई को लेकर यहाँ से थोड़ी दूर चले जाए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और अब लीन फैंग काफी तेजी से उड़ते हुए उस गॉड लेवल वेपन के सामने जाता है, जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस गॉड लेवल वेपन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। तभी उस वेपन के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है जिससे लीन फैंग का स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस एनर्जी प्रेशर से लीन फैंग पीछे हट जाता है। अब उस वेपन के अंदर से वेपन स्पिरिट निकलकर बाहर आती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर बिना मेरे परमिशन के मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी लीन फैंग की बॉडी के अंदर से फ्रीजिंग निकलकर बाहर आती है। अब फ्रीजिंग को देखते ही वह वेपन स्पिरिट वहां पर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी फ्रीजिंग बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी वह वेपन स्पिरिट फ्रीजिंग से दूर हटते हुए बोलती है, आज से 9000 साल पहले तुम्हारी पावर डिक्रीज हो गई थी और तुम एक गॉड लेवल वेपन से कमजोर होकर डिवाइन लेवल वेपन बन गई थी, पर अब मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी पावर दोबारा से रिकवर हो गई है और तुमने दोबारा से गॉड लेवल वेपन का पोजीशन हासिल कर लिया है, तो क्या यह पर्सन तुम्हारा नया स्वॉर्ड मास्टर है। फ्रीजिंग हाँ में जवाब देती है। तभी वह वेपन स्पिरिट बोलती है, यह पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा यंग है पर इसके बावजूद इसने स्पिरिचुअल मार्शल रैलम को अचीव किया है और तो और मैं देख पा रही हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर गॉड लेवल फायर भी मौजूद है। फ्रीजिंग हंसते हुए बोलती है, मेरा नया मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, तो फिर क्यों ना तुम भी लीन फैंग को अपना नया मास्टर चुन लो। तभी वह वेपन स्पिरिट बोलती है, उसकी मास्टर अभी भी यहाँ पर जिंदा है, वह भले ही कमजोर हो गई है पर अभी भी उसके साथ है, इसीलिए वह अपने मास्टर को छोड़ना नहीं चाहती है। और अब वह लीन फैंग की ओर देखते हुए उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी लीन फैंग बोलता है,
मैं यहाँ पर आज आपको अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आज आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर उस वेपन स्पिरिट को लिनफेंग पर यकीन नहीं होता है। तभी ब्लेजिंग भी लिनफेंग की बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलता है, लिनफेंग सच बोल रहा है। तभी वेपन स्पिरिट देखती है कि ब्लेजिंग की भी पावर वहां पर रिकवर हो चुकी होती है और अब वह भी एक गॉड लेवल वेपन बन चुका होता है। यह सब देखकर वह हैरान होते हुए बोलने लगती है, आखिर तुम दोनों ने इतनी जल्दी अपनी पावर को रिकवर कैसे किया। ब्लेजिंग उसे बताता है कि हम दोनों लिनफेंग के साथ कल्टीवेशन जर्नी पर निकले थे और उस जर्नी के दौरान हमें कई सारे डिवाइन लिक्विड मिले, जिनकी पावर का यूज करते हुए हमने अपनी पावर को रिकवर कर लिया। तभी लिनफेंग अपने पास से एक बॉटल डिवाइन लिक्विड और एक डिवाइन स्टोन बाहर निकालते हुए बोलता है, डीमंस ने गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और नॉर्मल लोग यहाँ पर डीमंस से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आज मैं गॉडेस सीयुन को आजाद करने के लिए आया हूँ। इस डिवाइन लिक्विड और डिवाइन स्टोन की मदद से उनकी पावर रिकवर हो जाएगी, जिसके बाद वह इस फाइट में पार्टिसिपेट कर पाएंगी और इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यह बोलते हुए वह उस वेपन स्पिरिट को डिवाइन लिक्विड दे देता है, जो देखकर वह वेपन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अब वह बोलने लगती है, क्या तुम्हें पता भी है कि डिवाइन लिक्विड कितना ज्यादा कीमती होता है, इसके बावजूद तुम यह डिवाइन लिक्विड हमें देना चाहते हो। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा काइंड है, वह जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वह वेपन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वह लिनफेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम सेंग यू है और मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यह बोलते हुए वह उस डिवाइन लिक्विड और डिवाइन स्टोन को लेकर उस पिलर के पास जाती है और अब वह पिलर के अंदर मौजूद गॉड सीयुन को आजाद करती है, जिसके बाद वह उन्हें वह डिवाइन लिक्विड देती है, जिससे गॉड सीयुन की पावर वहां पर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। और अब वह लिनफेंग के सामने आते हुए उसे थैंक्स करते हुए बोलती है, लिनफेंग तुमने यहां पर मेरी आज मदद की है, इसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूं। और अब वह लिनफेंग को सोर्स ऑफ मून का एक हिस्सा देती है, जिसे लिनफेंग वहां पर ले लेता है। पर तभी लिनफेंग की बॉडी के अंदर मौजूद जेट बटरफ्लाई सोर्स ऑफ मून को तुरंत ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पर यह सब देखकर नीचे खड़ा एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अब वह आगे आते हुए गॉडेस नांगोंग सीयुन को ग्रीट करता है। तभी गॉडेस सीयुन उसे देखते हुए बोलती है, नांगोंग ली तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, इतने सालों तक तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी और मेरे गॉड लेवल वेपन को प्रोटेक्ट किया, तो अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब मैं तुम्हारे यूनयू डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करूंगी। तभी लिनफेंग के पास एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसके हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यह देखते ही वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गॉडेस सीयुन से बोलता है कि मास्टर मुझे जल्द से जल्द हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंचना होगा, क्योंकि वहां के लोगों को मेरी जरूरत है, तो प्लीज आप यहां पर यूनयू डायनेस्टी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उड़ते हुए वहां से आगे जाने लगता है। अब हमें हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट किया गया होता है। वहीं पर उस बैरियर के बाहर एक फ्लाइंग शिप उड़ रहा होता है और उस फ्लाइंग शिप के ऊपर मो फैमिली का एंसेस्टर खड़ा होता है। वहीं पर वह एंसेस्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों को लग रहा था कि तुम लोग मेरे मो फैमिली से पंगा लेने के बाद बच जाओगे। यह बोलते हुए वह एक काफी खतरनाक अटैक सेक्ट के ऊपर करता है, जो देखते ही सेक्ट के कई सारे मास्टर एक साथ मिलकर उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। पर मो फैमिली का एंसेस्टर काफी आसानी से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सभी मास्टर को वहां पर घायल कर देता है। तभी एक और फ्लाइंग शिप उड़ते हुए वहां पर आता है, जिसके ऊपर मोबी का छोटा भाई बैठा हुआ होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई मोबी को कहां पर रख रखा है, मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यह बोलते हुए वह मास्टर हाउटियान को उठाकर अपने पास खींचता है और अब वह उनका गला दबाने लगता है। वहीं पर मास्टर हाउटियान बोल रहे होते हैं, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, जैसे ही हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स स्पिरिचुअल रोड से लौटेंगे तुमसे इन सभी चीजों का बदला जरूर लेंगे।
यह सुनते ही वह पर्सन मास्टर हाउटियान पर अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है और हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर तुम्हारा गुसेन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसी सिचुएशन में हमसे और डीमन से एक साथ फाइट करके जीत सकते हो? तो अब अगर तुम सभी लोग अपने लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो शांति से मुझे बता दो कि मेरे बड़े भाई मोबी कहाँ पर है। यह सब सुनकर नीचे खड़े सभी मास्टर डर जाते हैं और अब एक लेडी आगे आते हुए उसे बताती है कि मोबी को उन्होंने कैद करके हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के चेंबर में रख रखा है। यह सुनते ही वह पर्सन हाउटियान को काफी तेजी से नीचे फेंकता है, जो देखते ही वह लेडी मास्टर हाउटियान के पास आते हुए उसे संभालती है। तभी हाउटियान बोलता है, आखिर तुमने इन लोगों को इस बारे में क्यों बताया? वह लेडी मास्टर बोलती है, यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है सर्वाइव करना, और तो और उसने पहले ही अपने सभी डिसाइपल्स को मैसेज भेज दिया है, तो वह लोग जल्द ही यहाँ पर आते होंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।